एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, ऑल ऑफ यू प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसिटिक एसिड वॉज एडेड टू अ सॉलिड एक्स। अपने पास हिंट नोट करके मुझे आंसर्स दीजिए। एसिटिक एसिड वॉज एडेड टू सॉलिड एक्स, मतलब एसिटिक एसिड को एक्स में ऐड करा। आप भी इसी तरह से लिखो जैसे क्वेश्चन होता है, एसिटिक एसिड प्लस एक्स, ठीक है। वॉज एडेड टू एक्स, केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस वॉज इवॉल्व, ठीक है। कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस जो है वो निकली। द गैस वॉज पास थ्रू लाइम वॉटर विच टर्न मिल्की, सो द गैस इज CO2, राइट। इट वॉज कंक्लूडेड दैट, अब आपको बताना है कि एक्स क्या है और गैस कौन सी है। गैस का तो हमें पता लग गया कि CO2 है, बिकॉज दैट टर्न्स द लाइम वॉटर मिल्की। अब उसने साथ में दिया है एक्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड चारों ऑप्शन में दिए, ठीक है। दैट मीन्स आपको एक्स को फॉलो करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड। व्हाई यू हैड रिटन द सोडियम हाइड्रोक्साइड? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड? व्हाट शुड बी देयर इन द रिएक्टेंट साइड? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, मतलब होनी चाहिए ये, देन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो आया ही नहीं सी। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। एसिटिक एसिड हो गया CH3COH, नहीं आता फार्मूला, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे आपके पास है NaHCO3, अगर हमने लिया तो डेफिनेटली व्हाट इट विल रिलीज, CO2, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, that's why we will not take that, and sodium acetate we will not take, kyunki acetic hi hum wahan pe le rahe hain. Clear hogi option? So which option is sodium bicarbonate and the gas is carbon dioxide. Second is, pen de de, ya pen pencil de de, kar do, right. Tell me the second one. In one of the industrial process, from online students, in one of the industrial process used for manufacturing of sodium hydroxide, a gas X is formed by product manufacture of sodium hydroxide through chloralkali process. ठीक है, तो कौन सी गैसेस निकली थी वहां? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द गैस रिएक्ट विद लाइम वॉटर। लाइम वॉटर के साथ कौन सी रिएक्ट करी थी? यहां से हिंट देखो, जिसको सॉल्ट याद है ना वो लिख सकता है। एक मैम योर माइक इज म्यूटेड। ओके, नाउ इज इट ऑडिबल? यस मैम। ओके, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी क्वेश्चन चेंज हो गया था,
आपने बीच वाले चार जो टॉपिक्स है, नो नीड टू रीड दैट वन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन प्लीज करेक्ट कर लेना। इन फोर टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी टेक एक्वस सॉल्यूशन, लास्ट टाइम आई एम सेइंग टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब में लिया हमने एसिटिक एसिड, एक में लिया सोडियम क्लोराइड, फोर टेस्ट ट्यूब वी आर टेकिंग ए बी सी डी। इन दिस ए टेस्ट ट्यूब वी आर टेकिंग द एसिटिक एसिड। दोज हु कांट सिट दे कैन लीव द रूम। इन द सेकेंड वन सोडियम क्लोराइड, थर्ड वन कॉपर सल्फेट एंड इन द फोर्थ वन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये चार टेस्ट ट्यूब हमने ली ए बी सी डी, इन चारों में वी आर टेकिंग दीज सॉल्यूशन। डिप अ स्ट्रिप ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर इन ईच ऑफ देम, व्हाट विल बी द रिजल्ट। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका कलर क्या होगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक। तो इसका हल्का सा ऑरेंजिश, ठीक है, ऑरेंजिश येलो की टोन में होगा, मतलब लाइट है, ठीक है। दिस इज द ए बी सी एंड डी। नाउ सोडियम क्लोराइड इज अ कलर न्यूट्रल, ठीक है, आई एम राइटिंग न्यूट्रल, ओके। देन सी कॉपर सल्फेट, दिस इज ऑल्सो सॉल्ट, तो इसका भी, ठीक है। देन फोर्थ वन इज बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द वीक बेस और स्ट्रॉन्ग, तो कलर वायलेट। अब सबसे स्ट्रॉन्ग किस में अरेंज करना है इनको? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, सबसे पहले लोएस्ट वाला सी कॉपर, ठीक है, वो बिल्कुल माइल्ड है, इसमें स्टिल एसिड इज देयर, ठीक है। देन बी, ओके ओके, पीएच वैल्यू, विच वन इज देयर? नो ए, क्यों? सी इज रेड, अच्छा, क्या कह रहे हो? तो इंक्रीजिंग में लिखना है ना, NOH तो सबसे एंड में आएगा, लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे ना, वी विल सी ए बी डी। आपको कलर्स गिवन है, आपको कलर्स गिवन है, आप उसके हिसाब से मत देखो। दे हैड गिवन यू द कलर, ए इज द ऑरेंज, बी इज द ग्रीन, सी इज द रेड एंड डी इज द ब्लू। सी का कलर ही गलत है यहाँ पे, आपका सी जो है वो सबसे मिनिमम आएगा, सी ए बी ए एंड बी। एरोस गलत डाल ले। पहले बोल दे, क्वेश्चन ऐसे आप अभी ये करो, सी ए बी डी कलर्स गिवन है, वो रेड गलत है, ये वाला आप ये लिखो, वो कलर गलत है, आई एम टेलिंग यू कि कलर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन HCl इज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस is neutralized, HCl is exactly neutralized, the hydrogen ion concentration is resulting solution is always equal to the concentration of the hydroxide ion. जब हमने HCl जो कि strong acid है उसको neutralize किया base के साथ NaOH, वो भी strong है, तो जहां पे दोनों को आपने add कर दिया तो वहां पे क्या हुआ? वो न्यूट्रल कब हुआ? जब वैल्यू क्या हो गई? इक्वल, दैट मींस हाइड्रोजन आयन्स इक्वल टू द हाइड्रोक्साइड आयन्स।
ठीक है. नेक्स्ट है दक्षिता, नाउ यू विल गिव द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टू कलर सीन एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द पीएच चार्ट. दक्षिता द टू कलर सीन एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द पीएच चार्ट. यस दक्षिता, दक्षिता स्पीक लाउडर बेटा. मैम हाँ जी, रेड एंड वॉयलेट. यस रेड एंड वॉयलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स लास्ट बेंच, नाउ यू विल गिव द आंसर. फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल बाय एडिंग. लास्ट बेंच, हाउ द फार्मर्स न्यूट्रलाइज द एसिडिटी बाय एडिंग. एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज बाय विच बेस दे विल एड इन द सॉइल. प्रक्षित, मैन्योर में हम मैन्योर डालते हैं, एसिडिटी इंक्रीज हो जाए तो विच बेस वी विल एड. पता ही नहीं होना. इफ द एसिडिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस बट द फार्मर्स विल एड. इतना स्ट्रॉन्ग बेस, स्लेक लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वेरी बैड बेटा, स्लेक लाइम दैट इज कैल्शियम. तीनों में से अगर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, बेकिंग सोडा वी विल नॉट एड, वी विल एड द थ्री टर्म्स, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम की ही तीनों चीजों में से वी कैन यूज टू न्यूट्रलाइज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद डैश. ऑप्शंस हैं AgCl, परीक्षित आंसर दोगे इसका. AgCl, Na2CO3, Pb2SO4, Na2SO4. अब यहां पे किसकी रिएक्शन होगी HCl के साथ, क्यों, रीजन दो ना. ऑप्शन तो इधर से बता दी किसी ने, वाई. Anyone without seeing the book or notebook, anyone see it here. Hanavya. Ma'am, may I? Acid ke saath react karega. What is this? Salt. HCl, already Cl hai wahan pe. Theek hai? To jab aap kya bol rahe, reason do. Salt plus water will be formed. Na2CO3. Next is, plaster of Paris is made from gypsum. Ye aata hai. Bleaching powder can be prepared by reacting. Kisko react karke? Kisko react karte hain? Bolo, dobara bolo. Plus. प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद व्हाट, क्लोरीन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. बैड जब. नेक्स्ट इज, सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग. सॉल्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं लैब में, बाय रिएक्टिंग मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ऑप्शंस जो है, मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड वी कैन रिएक्ट, सॉल्ट बनेगा. मेटल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी. मेटल कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी यहां पे करा, वो भी. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. लास्ट फ्रेंड्स, डिफरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड पीओपी इज, डिफरेंस इन द वॉटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द जिप्सम एंड पीओपी. हाफ का डिफरेंस है, वन एंड हाफ, और इधर वी कैन से 3/2, 2 वन्स आर 2 एंड 3/2.
Which of the following gives carbon dioxide on heating? Slag lime, limestone, quicklime, soda ash. Limestone. The number of molecules of water present in green vitriol. बोल लो, गलत होगा, कोई बात नहीं. सेवन. What is the formula of the green vitriol? FeSO4.7 molecules of water. A small amount of baking soda can act as a preservative for milk since it. What is the function of adding the baking soda? Neutralize the acid present. So option D, neutralize lactic acid in milk. ठीक है. Then next question. MCQs okay now? ठीक है. Assertion reason is there. First assertion is, जिप्सम अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ, गलत हो गया, जिप्सम अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ पीओपी. जिप्सम फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ पीओपी. रीजन है, अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग जिप्सम लूजेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पार्शली. बट इज द आंसर. असर्शन यहां पे थोड़ी सी चेंज है. असर्शन इज कि जिप्सम इज फॉर्म्ड. Assertion बेटे correct कर लो वहां पे. Gypsum is formed upon strong heating of POP. Now ठीक है जी. A option is formed upon heating लिखा हुआ है ना, उसमें word missing है. नेक्स्ट इज असर्शन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज टू बी डिल्यूटेड वेरी केयरफुली. करना चाहिए हमें डिल्यूटेड केयरफुली. रीजन है, द एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वॉटर एंड डिल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक. दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Third is, an aqueous solution of sodium chloride does not change the color of litmus paper. करते नहीं करता. An aqueous solution of sodium chloride does not change the color of litmus paper. ठीक है. Reason है, an aqueous solution of sodium chloride is a neutral in nature. Both are correct and reason is the correct explanation of the assertion. करते जाओ बातें. फोर्थ इज, एन एक्वस सॉल्यूशन इंपार्ट्स ब्लू कलर टू द लिटमस पेपर. एन एक्वस सॉल्यूशन इंपार्ट्स, एक एक्वस सॉल्यूशन है, इंपार्ट्स ब्लू कलर टू द लिटमस पेपर. ठीक है. सॉल्यूशन इज एसिडिक. रीजन है, सॉल्यूशन इज एसिडिक. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. Then the next is, aqueous solution of सही तो कह रहा है कि does not impart. Sodium chloride है, salt वो थोड़ा ना देगा, वो तो सही है statement. उसने कहा does not impart, नहीं देगा. ठीक है. Next है, tartaric acid is a constituent of baking powder. है, okay. Reason है, टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड. तो विच वन इज द ऑप्शन. बोथ असर्शन एंड रीजन एंड करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है कि टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द बेकिंग पाउडर एंड टार्ट्रिक एसिड जो है दैट इज प्रेजेंट टैमरिंड. ओके, दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. Next question, green vitriol is hydrated ferrous sulfate. True, hydrated ferrous sulfate means water of molecules present and ferrous sulfate uska naam ho gaya. Reason hai,
केमिकल फार्मूला ऑफ ग्रीन विट्रोयल इज FeSO4.7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्या होगी बी ऑप्शन में क्या होगा? क्यों? यही लाइन तो बोल रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? उसने कहा कि ग्रीन विट्रोयल जो है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ द फेरासल्फेट, तो दोनों ही सही है, उसी का ही फार्मूला ही बताया ना। व्हाट आर यू डूइंग? ए सेवेंथ इज एसिडिटी इज कॉज्ड इन द स्टमक ड्यू टू रिलीज ऑफ HCl एसिड, ओके, रीजन HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ जी बोलो बोलो। Both assertion and reason are true. Both assertion and reason are true. True, but reason is the correct explanation or not? Yes, it's the correct explanation. नहीं विषम, reason is not the correct. Acidity आपके पेट में produce हो रही है, that is due to the HCl. तो acidity आ कैसे रही है? HCl is a strong acid, वो statement सही है, but वो acidity का reason नहीं है, ठीक है ना? Acid है वो strong, but that is not a reason. So both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. एक हमारे पास है, pH of aqueous solution decreases from 4 to 2. एक एक्वा सोल्यूशन है जिसका पीएच डिक्रीज कर रहा है 4 to 2, यानी कि वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। देन रीजन है, एसिडिक करेक्टर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। तो व्हाट इज द आंसर? ए ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 9, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल फेल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? Aqueous solution of alcohol fails to conduct electricity, true. Alcohol is an organic compound. नहीं नहीं स्टेटमेंट, पहले हम दोनों स्टेटमेंट चेक करते हैं। आई एम सेइंग एल्कोहल विल नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही। हमने कौन सी दो चीजें की थी विच विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एल्कोहल एंड ग्लूकोज। बट इज द फार्मूला ऑफ एल्कोहल पता है? C2H5OH। ये हाँ, इथेनॉल इज कॉल्ड एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, बट आपको मोस्ट प्रोबेबली, बट यू विल यूज, आप सबसे मेन एक यही यूज करते हो, C2H5OH, ठीक है, दैट इज इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल, ठीक है। और इसके बीच में क्या है? कार्बन भी। सो व्हाट इज दिस? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके? ये आप नए कार्बन वाले में पढ़ोगे, बट मैं एक हिंट दे रही हूँ कि जहां पे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर? सो इसमें क्या है? Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. अच्छा, इसको अगर मुझे बनाना है, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation, तो मेरी reason क्या होना चाहिए? Yes. So reason क्या होगा? It does not dissociate into ions. तो मेरी दोनों correct हो जाएंगी और explanation भी हो गई। हम कह रहे हैं कि अल्कोहल कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, रीजन क्या है? डू नॉट आयोनाइजेस, ठीक है। अगर रीजन ये होता तो दैट मींस बोथ आर करेक्ट एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिनोल फिथिलीन एन एसिड बेस इंडिकेटर, ट्रू है? यस। रीजन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज पिंक एंड बिकम्स कलरलेस and dilute HCl added drop by drop to the solution. नहीं समझ आया? इसमें उसने कहा है aqueous solution जो है वो base है sodium hydroxide. जब हम sodium hydroxide में pH का देखते हैं वो colorless हो जाता है और pink हो जाता है, और जब हम उसमें drop by drop acid डालते हैं then it becomes colorless. तो दोनों true है and that is the correct explanation of the assertion.
क्लियर है? ठीक है, पैराग्राफ क्वेश्चन आपका है, वो भी आपको सिंपल से ही दिया हुआ है, वो भी बता दूं? श्योर है ना, उसमें फाइव ही है। ओके नाउ, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?